राजस्थान प्रदेश के पाली जिले में 2023 विधानसभा चुनाव में किसको चुनेगी जनता, किसकी बनेगी सरकार, पाली में कौन बनेगा विधायक, यह अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पूर्व में हुए चुनाव में जिसको जनता ने प्रतिनिधि चुना है, उनके कार्यकाल में जनता में रोष है, वे नाराजगी जता रहे हैं। लगातार जनता का यह कहना है कि पाली में विधायकों ने हमेशा जनता को ठगा है, शहर का विकास नहीं किया, विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं किया और वोट मांगने हर 5 साल में आ जाते हैं। राज्य सरकार ने पाली जिला को संभाग बनाया है, लेकिन अभी भी पाली विधानसभा क्षेत्र की हालात खस्ता है। सड़कें टूटी हुई हैं, शहर के चारों तरफ टूटी सड़कों से धूल उड़ती है और जो वाहन चालक हैं उनका निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। सीवरेज का पानी सड़कों पर फैल रहा है। डंपिंग यार्ड से भी शहर के पास, जहाँ जिसमें कूड़ा कचरा और वहाँ पर बहुत सारे दूभर भरी चीज़ें पड़ी हुई है, उससे भी जो निवासी हैं बड़े परेशान हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर गंदगी और प्रदूषण से भरा पड़ा है। इस बार उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जनता बहुत सोच समझ कर और बहुत ही सख्ती से फैसला लेगी कि वोट किसे देना है। आइए जानते हैं कि पाली की जनता किसके पक्ष में करेगी मतदान, कांग्रेस या बीजेपी, किसके पाले में इस बार पाली की जनता के वोट पड़ेंगे। मैं पाली शहर और रोहित ग्रामीण है, वहाँ पे किसान हैं, किसान लोग रहते हैं और पिछले लंबे समय से 20 साल 25 साल से किसानों की अवहेलना हुई है। न तो समय पे किसानों को मुआवजा मिल रहा है, न बीमा का कोई काम हो रहा है। तो इस बार लोगों का मानस है कि कोई किसान वर्ग से चुनाव लड़े और किसानों को प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि बहुत मोटी समस्या प्रदूषण की है। जो प्रदूषण रुक नहीं रहा है, इतनी सरकारें आ गई इसके बावजूद भी रुक नहीं रही है, इसलिए प्रदूषण को रोकना और किसानों की मदद करने के लिए लोगों ने मानस बनाया है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। 25 साल से पाली में बीजेपी का विधायक है, उसके द्वारा पाली में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। पाली एक अच्छा जिला था, पहले भाईचारा था, अच्छा काम था, लेकिन उन्होंने पाली को एक ढाणी बना के रख दिया है। पाली में न तो अच्छी सड़कें हैं, न कोई अच्छा कॉलेज है, न कोई अच्छा हॉस्पिटल है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, न अच्छी कोई कोचिंग की व्यवस्था है। तो पाली में अगर देखा जाए तो ऑल आर कोई किसी प्रकार का अच्छी यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, न अच्छा कोई पार्क बना हुआ है, न अच्छा कोई मॉल है जिससे कि जो लोगों को उसका फायदा मिल सके। और रही बात दूसरा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में जो प्रदूषण की जो मेन समस्या थी उसको भी हमारे विधायक महोदय ज्ञान सिंह जी पार्क है, उन्होंने अभी तक उसका समाधान नहीं किया है। जो इंडस्ट्रीज वाले लोग वो भी परेशान है, आम जनता परेशान है, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। जनता को, जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 25 साल से एक ही विधायक को वोट देते देते वो तंग आ चुकी है, जबकि यहाँ पर कोई विकास का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। अब जो है हम ये चाह रहे हैं कि पाली में परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि पड़ा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। तो 25 साल का विधायक है पाली में, उसने कोई भी काम नहीं किया है। तो इसलिए पूरी पाली की जनता की एक ही आवाज़ है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और उसमें भी नया सहरा जो हमारे सामने है, जो निर्विवाद हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और पाली का विकास कर सके, पाली में अच्छे विश्वविद्यालय ला सके, पाली का डेवलपमेंट कर सके, रोजगार की बात कर सके, बेरोजगारों को रोजगार दिला सके, इस प्रकार का हमारे कैंडिडेट चाहिए। तो कोई भी नया सहरा अगर आएगा तो सभी एकमत होकर के पाली में के विकास में सब भागीदार बनेंगे और उसको वोट करेंगे।